रतलाम में कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया के दो पत्नी 2 लाख वाले बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। अब बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है और आरोप लगाया है कि ये बयान उस धर्म की ओर इशारा करता है जहां 2 शादियों का रिवाज है। वहीं कांग्रेस ने इस बयान पर सफाई भी देनी शुरू कर दी है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से रतलाम आए ऑब्जर्वर और कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया ट्राइबल क्षेत्र से है, यहाँ इन इलाकों में 2 शादियों का रिवाज है। और वहीं बीजेपी के आरोपों पर उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास धर्म के मुद्दे को उछालने के अलावा और कोई चारा है ही नहीं। और कांग्रेस सरकार आते ही हमारा जो घोषणा पत्र है, हर महिला को 1-1 लाख रुपया उसके खाते में जमा होगा, 1-1 लाख सभी घर की महिलाओं का है, मालूम है कि नहीं? अब जिसकी 2 पत्नियां तो 2 लोग जाएगा। कांग्रेस की जो नीति निर्धारण है उसमें एक परिवार में एक ही महिला को देने की बात हुई है, तो यहाँ पे वास्तव स्थिति ऐसी है, मैंने सुना है कि कुछ लोगों के यहाँ 2 शादियाँ होती हैं, और मतलब जो आदिवासी बेल्ट है यहाँ पे 2 पत्नी की भी प्रथा है कुछ समाज में, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। तो शायद उन्होंने उस परिप्रेक्ष्य में बोल दिया हो कि 2 पत्नियों को समान अधिकार यहाँ दिए जाते हैं, शायद ऐसी सुनी बात है मैंने, तो उसके आधार पर उन्होंने ऐसा कमेंट किया होगा, बाकी और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। बयान पर हंगामा बढ़ने के बाद कांतिलाल भूरिया की भी सफाई सामने आई है। अपने बयान पर स्पष्टीकरण देते हुए उन्होंने कहा कि बयान एक व्यंग के रूप में था। मैंने सिर्फ व्यंग के रूप में कहा था। सभा में बैठे एक आदिवासी युवक द्वारा पूछा गया कि उसकी 2 पत्नी है तो क्या उसको भी लाभ मिलेगा, क्योंकि आदिवासी समाज में इसकी कानूनी अनुमति है, इसलिए मैंने व्यंग के रूप में कहा गया। हम हर महिला को 1 लाख रुपये हर साल की गारंटी कांग्रेस सरकार में देंगे, मतलब हर महिला को 8,500 रुपये हर महीना मिलेगा।